बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं सैयद मोहम्मद अजमल रहीम आपको अपने डिजिटल चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। प्रोग्राम लेके आया हूँ, ये महीना कैसा होगा सैजिटेरियन के लिए। आपको जैसा कि पता है कि सैजिटेरियन अपना ये अक्टूबर का महीना जो स्टार्ट होगा 23 सितंबर से लेकर 22 अक्टूबर के दरमियान क्या होने जा रहा है, और सैजिटेरियन आपका स्टार्ट आपके 11वें घर से हो रहा है, वहाँ पे सन केतु फिर मरकरी भी इधर आ जाएगा, फिर मरकरी 18 अक्टूबर को निकल के आपके 12वें घर में चला जाएगा। तो बड़ा एक कह लें कि मिला जुला सा महीना होगा और अच्छा होगा, लेकिन थोड़ा सा आपको यू विल हैव टू कंट्रोल योर सेल्फ। तेज़ होंगे, दिमाग बहुत तेज़ काम करेगा आपका, इतना तेज़ करेगा कि आप तेज़ी में कई गलतियाँ भी कर सकते हैं। सन केतु जब इकट्ठा होता है तो बंदा भागता है, दौड़ता है, कभी इधर टिक के नहीं बैठता, नींद उसको नहीं आती, सोचता बहुत है, स्पेकुलेट बहुत करता है, शक बहुत करता है, दिमाग 24/7 चलता है, वो किसी पे एतमाद नहीं करता। और फिर थोड़ा सा साजिश है, उसने ऐसे किया होगा, वो ज़रूर इस तरह किया होगा। और ख़वातें, मेरे मियाँ का 12 अफेयर होगा, झूठ बोलता है, शक करना, इस तरह मर्द हज़रात अपनी बेगम पे शक करेंगे। तो 11वां घर आपको पता रोल ऑफ वाइफ का भी है, तो आगे जाके एक्सप्लेन करता हूँ कि हाउ टू कंट्रोल योर सेल्फ। तो यहाँ पे 11वें का लॉर्ड 12वें घर में, पहले हम वो देखते हैं कि 11वें का लॉर्ड जब 12वें घर, कुछ मामला खुफिया रखने की कोशिश करेंगे, कुछ ख्वाहिशें चुपके चुपके पूरी करने की कोशिश करेंगे, और ये ख्वाहिशें ऐसी होगी जिससे थोड़ी सी आपकी डिसग्रेस, डिफेमनेस, शर्मिंदगी हो सकती है, तो इसलिए आपको ख्याल रखना करेगा। आप किसी दोस्त जानने वालों से कुछ ऐसा गैर कानूनी खुफिया तल्लक जिसको छुपाए रखना आपकी नज़र में ज़रूरी होगा, उस मामले में पड़ सकते हैं, और फिर अपना सारा कुछ उन पर लौटाने की कोशिश करेंगे, ये भी ले लो। जैसे खुफिया तल्लक़ात, शादीशुदा होते भी शादी कर लेना, और फिर जायदाद भी उसको कुछ दे देना। तो ये चीज़ें आप इसमें आपको बहुत मुताहत होना पड़ेगा। उसके अलावा 11वें का लॉर्ड आपका पहले घर में, तो दूसरों की फिर यहाँ पे आप थोड़ा सा ऐसे होंगे तो दूसरों की मदाखलत की वजह से आप वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएंगे, अपने आप को सीधा करेंगे, किबला सीधा हो जाएगा। और उस जैसे बंदा सैर सदा होके नहीं लगाता, फिर एकदम आँख खुल जाती है फिल्मों में, और ऐसे हो जाता यार मैं की कर रहा सी, फिर ऐसे ऐसे देख के सीधा हो जाएंगे। तो इस तरह होगा, आपके अंदर एक कशिश होगी, फिर जो बंदा आपको गाइड करेगा उसके पीछे लगेंगे, वो आपको अच्छे तरीके से करेगा और आपको अपनी तरफ मतवजा करके आपको इस मामला से सीधा करेगा। आप बड़े बहन भाइयों से जुड़े तलकात और आपके मफादात उनके साथ जुड़े होंगे, अपने ख़ास दोस्तों के साथ मिलकर कोई ना कोई शराकत दारी करेंगे, हर किस्म का मुआशी फ़ायद, सफ़रों के अखराज बग़ैर कोशिश के कारोबारी फ़ायद मिलते हुए नज़र आते हैं, दूसरे आपकी ज़रूरतें पूरी करेंगे, आपको किसी को कहना नहीं पड़ेगा। और हर ये 18 के बाद की बात है, 4-5 दिनों में तो लोग आपकी तरफ खींचे चल जाएंगे। उससे पहले क्या हो सकता है कि आपके बड़े बहन भाई दोस्त, रिश्तेदार, कारोबारी दोस्त आपको बदनाम भी कर सकते हैं, अगर आपने अपने आप को कंट्रोल ना रखा। अब सैजिटेरियस 11वां घर है, 11वें घर में सन केतु, तो बड़े भाई के साथ आपका कोई प्रॉब्लम आ जाएगा, दोस्तों के साथ कोई प्रॉब्लम आ जाएगा, तो इसलिए आपके एल्डर्स के साथ मुँह मारी हो सकती है। एल्डर के साथ किसी फंक्शन में किसी में बैठे होंगे तो आप एकदम रैक कर जाएंगे, या कुछ झूठ बोल जाएंगे, कुछ साजिश कर देंगे, कुछ लगाई बजाई करेंगे, जिससे आपके बड़े आपको ना पकड़ेंगे, यहाँ तो रुको रुको रुको, ये तुम झूठ बोल रहे हो और ये आपने गलत किया है। तो इस पे फिर आपकी काफ़ी सुबकी होगी और फिर आपको काफ़ी लताड़ा भी जाया जा सकता है। यहाँ पे आपकी होश का घर है, आपके कोई ना कोई आप ख्वाहिशों के पीछे भागेंगे, बस बाय हुक एंड क्रूक ख्वाहिश पूरी हो जाए, और फॉरेन ट्रैवलिंग के भी चांसेस बनेंगे, किसी की टांग खींच के निकल जाएंगे। लिटिगेशन आप डेट आगे ले लीजिएगा, स्पेकुलेशन बहुत ज़्यादा, रॉन्ग किस्म की स्पेकुलेशन होगा, सोचेंगे बड़ा हो यार उसने ऐसे किया होगा, ऐसे होगा, ऐसे ये इस तरह कर करके अपने आप को ना टेंशन देंगे, अपने आप को हलकान करेंगे। लेफ्ट एयर में आपके प्रॉब्लम आ जाएगा, ट्रेड में बहुत फ़ायदा होगा, ऐसे दो नंबर ही करेंगे कि पैसा एकदम उबल के आपके पास आएगा, और कोई ना कोई अपना ख्वाहिशात अपनी पूरी कर लेंगे।
आपके एम्बिशंस और विशेस पूरी होती हुई नजर आती हैं, डिज़ायर ऑफ देयर फुलफिलमेंट्स पूरी होती है। रोल ऑफ वाइफ आपका यहाँ पे बड़ा इम्पॉर्टेंट होगा इन डोमेस्टिक इशू में, तो इसलिए बेगम के साथ तलकात बना के रखिएगा सेजिटेरियन। अगर बेगम ने रुकावट डाल दी तो सारा काम आपका सत्यानाश हो जाएगा। यहाँ पे बेगम या बेगम का रिश्तेदार कोई आपकी ऐसी मदद करेगा जिससे आपका रुका हुआ काम निकल जाएगा, और अगर आपने बेगम से बगाड़ ली या बेगम ने आप पे शक किया या आपने बेगम पर शक किया तो फिर सारे काम रुकते हुए नजर आते। तो यहाँ पे यू विल हैव टू कंट्रोल योर सेल्फ। गुस्से में आके ना आप ऐसे ही कंधा आप मारेंगे किसी के साथ, ये बाजू में दर्द शुरू हो जाएगा, लेफ्ट आर्म आपका अफेक्ट होता हुआ नज़र आता है। तो मरकरी साथ है, आप 11वें घर में मरकरी सन के साथ हो तो वो देखते हैं कि 11वां घर, तो यहाँ पे सफ़र करेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे, एजुकेशन को बेहतर बनाएंगे, ब्रामाद द्रामाद में बहुत पैसे कमाएंगे, बहन भाइयों की तालीम तरबियत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और इनकी ख्वाहिश पूरी करेंगे। बड़े बुज़ुर्ग आपका साथ देने को तैयार होगा अगर आपने पॉजिटिव बिहेव किया, और आपकी ज़िंदगी में बीवी का किरदार बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। इसके अलावा फिर मरकरी का और एक यहाँ पे आपके इंटेलिजेंस पावर मैथमेटिक्स ये सारी चीज़ें बैंक कमर्शियल काम इसमें भी आपको फ़ायदा हो जाएगा। सफ़र भी होंगे, गैर मूल्य काम करेंगे और कोई ना कोई मामलात को सीधा करने में भी कामयाब हो जाएंगे। तो यहाँ अब इसको मैं कंक्लूड ऐसे करता हूँ कि जब अल्लाह ताला ने आपकी किस्मत में सब कुछ अच्छा लिखा हुआ है, दिमाग काम करेगा, तो फिर आप क्यों कार्ड रोना, क्यों गुस्सा करना, क्यों नेगेटिव सोचना, क्यों किसी पे शक करना, क्यों स्पेकुलेट करना, क्यों अंडर कारपेट चलना, क्यों किसी की टांग खींचना, लगाई बजाई करना। अगर आप लगाई बजाई टांग खींचने में लगे रहे तो फिर आपके काम आप अपने आप को भी तकलीफ देंगे, खुद भी टेंशन में रहेंगे, दूसरों को भी टेंशन में रखेंगे। तो यहाँ पे सन केतु का फ़ायदा उठाएं। सन केतु आपको जल्द जल्द रिजल्ट देगा अगर आप पॉजिटिव रहे, अगर आप पॉजिटिव तरीके से चले तो यकीन जाने के वो काम जो दो दिन में या तीन दिन में है तो आप घंटों में कर लेंगे। लेकिन वन शुड बी स्ट्रेट, चीट नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, अदरवाइज डिफेमनेस होने का आपका बहुत ज़्यादा चांसेस है। और फिर फैमिली में कहेंगे यार बंदा झूठ बहुत बोलता है, ये तो फ्रॉड है, ये तो ये है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको अपने आप पे कंट्रोल करना होगा, अपनी नींद पूरी करनी होगी, अपने आप को सुकून में रखना होगा, सर दर्द रहेगा और अपना आँखों में दर्द रहेगा, कान में प्रॉब्लम आएगा। तो खुश रहिएगा, कोई ज़रूरत नहीं है, फ़ायदा उठाइएगा सेजिटेरियन। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।